हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है ईज़ ऑफ फिबोनाची। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस बार सितंबर लॉन्ग चैलेंज में आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से नहीं हुआ और इसकी जो एक्यूरेसी रेट थी वो काफ़ी कम थी। ऑल दो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, बट आइए इसे डिस्कस करते हैं। हर बार की तरह मैं फिर आपसे रिकमेंड करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन को ओपन कीजिए या क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप क्वेश्चन को ओपन कीजिए। पहले क्वेश्चन को फर्स्टली सॉल्व कीजिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आप मेरे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, तब जाकर आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ओके, नाउ अब हम लोग, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है कह रहा है, ठीक है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ फिबोनाची सीक्वेंस हर किसी को पता है। इन्होंने यहाँ पे पहला टर्म जीरो को माना है, ठीक है। बहुत लोग जीरो को नहीं मानते, बहुत लोग वन से स्टार्ट करते हैं, बट ये मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। ठीक है, हमें जीरो या वन, मतलब इन्होंने पहला जो सीक्वेंस है वो जीरो माना है, फिर वन, फिर आगे हम लोग को पता है फिबोनाची सीक्वेंस कैसे निकलता है। जो नंबर निकालना है उसके पीछे जो दो डिजिट दिए रहते हैं, दो नंबर रहते हैं उनका सम। ठीक है, तो लेट से एक एग्जाम्पल मानते हैं एन इज इक्वल टू 16। अब 16 तक का फिबोनाची सीक्वेंस निकालते हैं, तो ये रहा 1 से लेकर 16। अब सर 16 क्यों लिए, बिकॉज स्पेस कम है तो 16 तक ही आया, तो 16 तक मैंने ले लिया। ठीक है, 0 1 1 2 3 ऐसे करते करते अब फिबोनाची सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब देखिए यही होता है, अगर आप किसी से सीख रहे हैं ना तो आपको उनके एक्सपीरियंस काफ़ी काम आती है। जैसे कि एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, अब मान लो कि अगर आपके पास ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी नंबर है, एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 2 3 4 5, ठीक है, इतना बड़ा आपको अगर फिबोनाची सीक्वेंस निकालना है तो कंप्यूटर में उतना बड़ा चीज़ आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, ठीक है, फाइंड फिबोनाची सीरीज ऑनलाइन, तो जो पहला लिंक है, पहला लिंक पर गए तो ये रहा कुछ इस तरह से। अब मान लो मुझे सीक्वेंस फाइंड करना है 5 का, ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया, अब 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है, 5, लेकिन आना क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए ये इशू नहीं है, बिकॉज इन्होंने 1 से माना है। ठीक है, और हम लोग कहाँ से मान रहे हैं, 0 से। इट मीन्स कि 5 अगर हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा होगा, चौथे नंबर का होगा 3। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर में 2 3 5 6, अगर इस इतना एन, अगर एन की वैल्यू इतनी दी हुई है तो फिबोनाची सीरीज क्या होगा, तो फिबोनाची सीरीज ये रहा 2 3 5 6 पे, देखो इतना बड़ा ये रहा नंबर, ये नंबर आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लॉन्ग लॉन्ग इंट क्या ले लो, लॉन्ग 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 इंट भी ले लो, फिर स्टोर नहीं कर सकते। तो इसे हम ऑनलाइन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कोई चोरी नहीं है, इसमें कोई धगाबाजी नहीं है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हमें अगर कोई चीज़ फाइंड करनी है तब, हमारा अगर सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा तो डैट्स कोई वो इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि सर आप चोरी कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नाउ व्हाट, यहाँ तक क्लियर, अब बात क्या करते हैं, अब हमें फाइंड करना है डी। डी क्या है, डी है हर एक जो एलिमेंट अभी बना के सीरीज का उसको मॉड्यूलो 10। ठीक है, तो अब देखो अगर किसी नंबर का हम लोग मॉड्यूलो लेंगे वो भी 10 से, तो जो नंबर का लास्ट डिजिट होगा ना वही आंसर होता है। ये रहा, अब खुद कैलकुलेट करके देख लो, 10th इंडेक्स पे क्या है, 34, उसका मॉड्यूलो क्या आएगा, 4। 13th इंडेक्स पे क्या है, 144, उसका मॉड्यूलो क्या आएगा, 4। जो लास्ट डिजिट होता है ना वही आंसर होता है। ठीक है, ये आप खुद भी सोच पा रहे होंगे, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर। नाउ व्हाट, अब हम लोग को डी को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करना है, क्या लिखा हुआ है, नाउ रिड्यूस दिस अनटिल डी हैज़ रिमेनिंग सिंगल एलिमेंट, जब तक इसके पास एक सिंगल एलिमेंट ना आ जाए, और जो वो एलिमेंट आएगा वही एलिमेंट हमें फाइंड करना है कि वो एलिमेंट क्या बचेगा। अब रिड्यूस किस तरह से करना है, रिड्यूस करना है कि जितने भी ऑड इंडेक्स है उसको हटाते जाओ। तो यहाँ पे ऑड इंडेक्स क्या क्या है, यहाँ पे ऑड इंडेक्स है 1 3 5, उसको हटाते जाएंगे। तो आइए डिटेल में बात करते हैं, ये रहा डी। अब इसका अगर ऑड इंडेक्स हटाना है हमें तो 1 3 5 7 9 उसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा, जो बचा हमारे पास इवन वाला वो लिख लिए। अब फिर से बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, अब फिर इसमें जो ऑड है उसको हटा देंगे, तो अब क्या बचेगा, 2 3 9 0। ठीक है, अब फिर इसमें जो ऑड है उसको हटा देंगे, इट मीन्स कि 1 और 3 इंडेक्स वाला हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 और 0 एग्जैक्टली। अब इसमें जो ऑड है उसको हटा देंगे, अब क्या बचेगा, अब बचेगा 0, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। तो ये रहा फाइनल आंसर। अब हमें फाइंड करना है कि
एन की वैल्यू दी रहेगी। अब अल्टीमेटली ऑड वाला जो इंडेक्स है उसको हटाते जाना, तो रिमेनिंग जो वन लास्ट बचेगा उसको फाइंड करना है कि वो क्या आएगा। यहाँ तक क्लियर? नाउ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। अब एक चीज़ क्या बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई एक नंबर है एन, ठीक है, तो क्या आप उसे 2 की पावर x और 2 की पावर x+1 के बीच में रख सकते हैं? रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं बताते हैं। ये मैं कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, पहला नंबर मैं मानता हूँ 5, ठीक है। अब 5 किसके किसके बीच में? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के बीच में। यहाँ तक क्लियर? 2 की पावर 2 और 2 पावर 3 के बीच में। अब लेता हूँ 16, 16 किसके किसके बीच में? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 के बीच में, ठीक है। मतलब ये साइड वाला जो हमारा लेफ्ट साइड है उस साइड हम लोग इक्वल वाला केस लेके चल सकते हैं, ठीक है। 3 3 की बात करें तो 3 किसके किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में, मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 के बीच में। ये 1 और 2 वाला सेंस नहीं है, इसका सेंस है कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 के बीच में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। किसी भी नंबर एन को हम लोग उसकी 2 की पावर के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो 15 का क्या होगा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। उस तरह 55 का, उस तरह 4 का। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अब ये जो मैंने बताई ना अभी थोड़ी देर पहले, ये चीज़ आपको समझ में आई? ये चीज़ हम लोगों ने कैसे किया, ठीक है। एक नंबर ले लिया एन, एन की वैल्यू 16, तो ऑड वाला हटा दे गए, जो रिमेनिंग बचा वो आ गया। अब देखो, अब मैंने पता है क्या किया था, जस्ट अ मिनट। अब मैंने क्या किया था ना, मैंने जब अपने टाइम पे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो देखो मैंने कैसे किया, और आई होप आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करते होंगे। अब देखो मैंने पहले क्या किया ना, एक मतलब कि देखो इस तरह के क्वेश्चन से बेसिकली मेरा मेरा क्या अप्रोच रहता है, मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढने की, क्योंकि कॉट्सेप में ये चीज़ आदत है उन लोगों की, अगर वो लोग क्वेश्चंस देते हैं तो बेसिकली मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी होती है, और वो लोग कुछ ना कुछ लॉजिक्स छुपा होता है। तो मैंने पहले फिबोनाची सीरीज निकाल लिया, 0 1 1 ऐसे करते करते 4 6 3 6 8, फिर मैंने 1 से लेके 25 तक, ये देखो मैंने 25 लिखा है यहाँ पे, मैंने 25 लिखा है, ठीक है। अब 1 से लेकर 25 तक मैंने डी निकाल लिया। अब डी कैसे निकालेंगे? अब सर बार बार फिबोनाची कौन कैलकुलेट करे, तो इसके लिए तो मैंने यहाँ दे रखा है, दैट्स इट। आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 25 नंबर पे क्या आएगा? वैसे 24 वाला काउंट करें हम लोग, 24 पे क्या है? 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? 8 समझ में आया? 8 कैसे आया? फोटो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही होगी, सॉरी इसके लिए, बट समझ में आ रहा है कि बेसिकली मैथ ने कैसे अप्रोच किया। अब इस वाले केस पे आओ, एन की वैल्यू जो 5 है, ठीक है, ये केस समझ में आ रहा है? ये केस दिख रहा होगा आप लोगों को, एन की वैल्यू जो 5 मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने ले लिया 0 1 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने हटा दिया, 1 वाला इंडेक्स हटाया, 3 वाला इंडेक्स हटाया और 5 वाला इंडेक्स हटाया, ठीक है। तो क्या बचा? 1 और 2, ये दोनों बचा। अब इस दोनों में फिर मैंने ये वाला इंडेक्स हटा दिया, ये वाला चीज़ को हटा दिया, ठीक है। फिर क्या बचा? अगर इसको हम अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा? स्टेप 2 बचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब 4 था, सॉरी जब एन की वैल्यू 5 थी, तो आंसर क्या आया? 2। यहाँ तक क्लियर? मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा क्या रिलेट कर रहा हूँ। जब एन की वैल्यू 5 थी आंसर क्या आया? 2, जो कि कौन सी जगह पे? 4 पे। और 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, ठीक है। अब मैं 6 के लिए काम किया मैंने, जब मैंने 6 के लिए सॉल्व किया, आप लोग कॉपी पे प्लीज सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। जब मैंने 6 के लिए सॉल्व किया तब भी आंसर आया 2, जो कि किसका आंसर है? 4 का। अब 4 कहाँ? 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो, अब मैंने 7 लिया, 7 लिया जब मैंने, ये रहा 7 वाला केस, ठीक है। अब मैंने 7 लिया तो 7 पे भी क्या आया आंसर? 2 की पावर 2। अब देखो, अब जब मैंने 8 लिया तो 8 पे आंसर क्या आया? 3, ठीक है। 3 क्यों आया? क्योंकि वो 2 की पावर 3 पे है, मतलब 3 किसका है बेसिकली? ये 3 कौन से प्लेस पे है? 3 प्लेस है 8 पे। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, ठीक है। इट मीन्स जब 5 था, 5 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 की पावर 2 के बीच में, तो आंसर 2 की पावर 2 वाला आया, ठीक है। 6 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 के बीच में, और 2 की पावर 2 वाला आंसर क्या है? 2। समझ में आ रहा है? 8 किसके बीच में लाई कर रहा है? एन की वैल्यू 8 है, तो 8 तक हम लोग सॉल्व किए हैं, एन लाई कर रहा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 के बीच में, तो हम लोग हमेशा लेफ्ट वाला चुनते हैं, तो 2 की पावर 3 वाला आंसर क्या है? 3, ठीक है। अब आ जाओ इस साइड, ये वाला केस देखो, अगर हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, तो
फोर किसके बीच में लाई करता है, टू की पावर टू और टू की पावर थ्री के बीच में। हम लोग लेंगे कौन सा, लेफ्ट वाला, इट मीन्स कि टू की पावर टू। तो टू की पावर टू पे क्या आंसर है, टू, तो आंसर टू आएगा। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया टेन के लिए, तो यहाँ लिखा एन इजिकल टू टेन। मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेन किसके बीच में लाई करता है, टू की पावर थ्री और टू की पावर फोर के बीच में। ठीक है, तो टू की पावर थ्री वाला आंसर क्या है, थ्री, तो आंसर थ्री आया। मतलब टू की पावर थ्री मतलब क्या, एट, तो एट की जगह पे आंसर क्या है, थ्री, एट वाले कॉलम पे थ्री ही है ना, तो थ्री आंसर है। ठीक है, अब मैंने फिफ्टीन लिया, फिफ्टीन किसके बीच में लाई करता है, टू की पावर थ्री और टू की पावर फोर के बीच में। टू की पावर थ्री मतलब क्या, एट, अब एट वाला आंसर क्या है भैया, एट वाला आंसर है थ्री, तो आंसर थ्री। फिर मैंने ट्वेंटी के लिए सॉल्व किया, ये देखो वन टू थ्री फोर ऐसे करके ट्वेंटी तक के लिए सॉल्व किया। ट्वेंटी किसके बीच में लाई करता है, टू की पावर फोर और टू की पावर फाइव के बीच में। तो लेफ्ट वाला लेंगे, टू की पावर फोर, तो टू की पावर फोर मतलब ही क्या, सिक्सटीन, अब सिक्सटीन पे आंसर क्या है, जीरो। समझ में आया, अब ये चीज़ पता मैंने कहाँ तक किया, ये तक मैंने, अब देखो अभी समझाता हूँ। अभी तक आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें n दी हुई है तो जो आंसर है, बताता हूँ, वेट एक चीज़ पहले और समझा देता हूँ। ठीक है, अगर n की वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है, तो n की वैल्यू जब 20 है तो 20th नंबर का फिबोनाची सीरीज में जो रिजल्ट होगा वो होगा 4181। इट मीन्स कि अगर फिबोनाची सीक्वेंस की बात करें उसमें जो n इक्वल टू 20 होगा वो होगा 4181। अब हम लोग 4181 2 की पावर x और 2 की पावर x प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, तो 2 की पावर x क्या होगा, x निकालते हैं हम लोग। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 4181 हम लोग लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 है यहाँ पे, और 2 की पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 4181। अब बेस 2 है और 2 है तो अल्टीमेटली ये चीज़ x बन जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 जो कि बेस में है और फिर अंदर क्या है 4181, तो आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 2 की पावर 12 क्या होता है, देखो 2 की पावर 12 क्या होता है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 होता है 4096। ठीक है, यहाँ तक के लिए, अब 4096 होता है और हमारे पास क्या है 4181, इट मीन्स कि 12.23 12.24 कुछ ना कुछ तो होगा, बट हम लोग 12 मानते हैं। इसका मतलब कि क्या, कि ये चीज़ 2 की पावर सॉरी 236 नहीं आएगा, ये आएगा 4181। ठीक है, 4181। ठीक है, अब जो 4181 है वो 12 और 13 के बीच में लाई कर रहा है, मोर स्पेसिफिकली मुझे पता था मैंने ये गलती की होगी, 4181 और 4181। ठीक है, इट मीन्स कि वो 2 की पावर 12 और 2 की पावर 13 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ तक के लिए। अब तो आंसर क्या होगा, अब देखो एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ क्लियर क्या करता हूँ मैं, कि सॉरी यहाँ 236 नहीं 4181 आएगा, यहाँ तक क्लियर, मतलब मैंने एक गड़बड़ की तो पूरी स्लाइड गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपको, अगर n दिया हुआ है, अब n को चेक करेंगे कि वो किस 2 की पावर x और 2 की पावर x प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, वो मिल गया। अब वो जैसे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मैंने बता दिया, लॉग 2 ले लेंगे। ठीक है, अब वो जैसे मिला तो जो डी ऑफ 2 की पावर x होगा वो हमारा आंसर होगा, जो डी वाला सीक्वेंस बना उसमें जो 2 की पावर एक्स होगा, 2 की पावर एक्स के जगह पे जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। अभी तक तो यही हो रहा था ना, ध्यान से देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि मान लो 20 है, 20 किसके बीच में लाई करता है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 के बीच में। 2 की पावर 4 बोले तो 16, ठीक है, 2 की पावर 4 बोले तो 16, अब 16 वाले जगह पे आंसर क्या है, जीरो, तो आंसर अल्टीमेटली जीरो आना है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया, डैट्स कॉल्ड रिसर्च इन वन क्वेश्चन, मैंने 2 से 2.5 घंटे दिए थे इसको सॉल्व करने में। पता है ऐसे दूसरे तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन का मतलब था एक चीज़ सिखाना, पिसानो पीरियड। ठीक है, अब पिसानो पीरियड क्या होता है, पिसानो पीरियड होता है कि अगर आप जो फिबोनाची सीरीज़ है अगर आप उसको मॉड्यूलो ले रहे हैं किसी नंबर एन से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर रिपीट करेगा। मान लो फिबोनाची सीरीज़ को आप 2 को मॉड्यूलो ले रहे हैं तो वो हर तीसरा पे रिपीट कर रहा होता। हम लोग मॉड्यूलो 10 ले रहे हैं, अल्टीमेटली डी का सीक्वेंस कैसे निकल रहा है, मॉड्यूलो 10 लेके, तो वो हर 60 पे रिपीट करेगा। तो अब इस ऑब्जर्वेशन से भी आंसर आता है,
ठीक है, बट मुझे ये चीज़ ज़्यादा आसान लगा, बताता हूँ क्यों आसान लगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा सर एकदम, नंबर एन है, 2 की पावर x 2 की पावर x+1 के बीच में नंबर फाइंड कर लिए, आंसर होगा वो क्या होगा, जो डी वाला सीक्वेंस है उसमें जो 2 की पावर x के जगह पे जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। अब सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप पूरे थक चुके होंगे, लेकिन फिर आपको एक उपहार मिलेगा, एक तोहफा मिलेगा, वो रहा ये। अगर आपका नंबर 2 की पावर 0 जो आंसर आ रहा है, 2 की पावर x, अगर वो 2 की पावर 0 आ रहा है तो आंसर 0 होगा। 2 की पावर अगर 1 आ रहा है तो आंसर 1 होगा। 2 की पावर अगर 2 आ रहा है, मान लो कोई नंबर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग हमेशा लेफ्ट लेंगे, इट मीन्स 2 पावर 2। अगर किसी का रिजल्ट 2 की पावर 2 आ रहा है तो आंसर 2 होगा, किसी का रिजल्ट 2 की पावर 3 आ रहा है तो आंसर 3 होगा, एंड सो ऑन। अब जादू दिख गया होगा, अरे बोल दो दिख गया, कुछ ना कुछ तो दिखा होगा। अब कुछ दिखा होगा, यस, हर 2309 पे वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, हर 2309 2309 वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ अब हम लोग कोड करते हैं, ठीक है, कि 2309 अल्टीमेटली एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, आंसर तो 2309 ही आएगा। ठीक है, मतलब जो भी आना होगा 2309 पे वैल्यू रिपीट कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था और कहाँ पे आकर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये चीज़ समझ में आया, ये था ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम लोग कंपाइलर ओपन करते हैं, एक्स कोड एंड दैट्स प्रोजेक्ट, तो फिबोनाकी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट, तो अब लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब पता है एक चीज़ आपको आज और समझ में आएगी जो कि मैंने गलती की थी, इंट टी सी इन टी वाइल सॉरी टी माइनस माइनस। ठीक है, टेस्ट केस मिल गया, अब क्या चाहिए हमें, इनपुट कैसे मिल रहा है, टी मिला देन एन मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी तो मिलेगा हम लोग को सी इन एक्स मिल गया। अब लोग इंट लेंगे, चलो लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेते हैं। ठीक है, अब जेड, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये किस 2 की पावर x के बीच में लाई कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल लॉग 2 एंड x। ठीक है, अब लॉग 2 यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंक्लूड करना पड़ेगा हैश इंक्लूड मैथ डॉट h। लेकिन पता है ये अभी भी गलत है, गलत क्यों है कि ये ना गलत आंसर देता है, और यही चीज़ मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लॉन्ग डबल, बस अब जाके ये हमारा सही आंसर मिलेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे ना, सच बता रहा हूँ, आप तंग हो जाओगे, मतलब मुझे तो तब जाके पता चला लॉन्ग डबल भी लिखना होता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब इफ जेड बराबर 0 तो सी आउट, तो पता ही था हमें 0 एंड एल, सॉरी सही है, एल्स इफ जेड बराबर 1 तो सी आउट 1, सॉरी ठीक है, एल्स इफ जेड मॉड्यूलो 4 बराबर। ठीक है, अब जेड मॉड्यूलो 4 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 2 3 9 रिपीट करेगा। अब मान लो जो, अब हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जो जेड मिलेगा वो क्या मिलेगा, या फिर वो 0 हो सकता है, या फिर वो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, लॉग 2 ये वाला काम किया है, तो हमें x मिल रहा है, x वैल्यू 12 13 14 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो 12 हुई तो 12 यहाँ रहा। ठीक है, तो अब 12 पे, अब 12 जो है 4 से फुल्ली डिविजिबल है। ठीक है, अगर मान लो 4 को 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, अगर रिमाइंडर 2 मिलता है तो आंसर 2, रिमाइंडर 3 मिलता है तो आंसर 3, रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो आंसर 0, रिमाइंडर अगर 1 मिलता है तो आंसर क्या, आंसर 9। ठीक है, तो अगर पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इंट ए, ए मान लेते हैं, हाँ ए जेड मॉड्यूलो 4, इफ अगर ए बराबर आपका क्या मिलता है 2, ठीक है, तो सी आउट कर देंगे क्या 2 एंड एल, एल्स इफ अगर ए बराबर मिलता है 3, 3 मिल रहा है, हाँ 3, तो क्या करेंगे सी आउट 3
ये चीज़ पता है आप लोगों को, इट में मुझे पता है समझने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। समझने में क्यों दिक्कत हो रही होगी? बिकॉज ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। ए बराबर बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ। सी आउट जीरो एल्स इफ, ठीक है, ए बराबर वन, ठीक है। अब देखो, टू अगर मॉड्यूलो आ रहा है, अगर सिक्स मॉड्यूलो फोर करो क्या आएगा? टू। टेन मॉड्यूलो फोर करो टू, तो मॉड्यूलो टू पे अगर रिजल्ट पे टू पे टू आएगा। थ्री मॉड्यूलो फोर करो थ्री, सेवन मॉड्यूलो फोर करो थ्री, इलेवन मॉड्यूलो फोर करो थ्री, आंसर क्या आएगा? थ्री। फोर मॉड्यूलो फोर जीरो, एट मॉड्यूलो फोर जीरो, ट्वेल्व मॉड्यूलो फोर जीरो जीरो, फाइव मॉड्यूलो फोर वन, नाइन मॉड्यूलो फोर वन, थर्टीन मॉड्यूलो फोर वन। अगर वन आता है तब सी आउट कर देंगे नाइन, ठीक है, एंड डेट्स इट। अभी हम लोग प्यार से कॉपी करेंगे एंड प्यार से पेस्ट करेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि सोचना बहुत पड़ता है यार। मतलब अब दूसरे तरीके भी होंगे इसके, ठीक है, मैं नहीं कह रहा दूसरे इसके दूसरे तरीके नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ दूसरे तरीके होंगे, बट बेसिकली हमें कैसे स्ट्राइक करता है ये मैटर करता है, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें इससे मैटर नहीं। दूसरे तो अच्छे अच्छे तरीके या कुछ भी लगा के आंसर आ जाता है, कुछ भी होगा आंसर आ जाएगा, बट हम कैसे समझ पाते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन मोटो हो सकता है यस करेक्ट आंसर, मुझे पता था क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था पहले। एंड ये होता है पिसानोस पीरियड, ठीक है। पिसानो पीरियड भी अगर देख लीजिएगा, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि बेसिकली पूरी की पूरी फिबोनाची सीरीज पे उन्होंने पीएचडी कर रखी है इस वेबसाइट पे, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये यूज़ करना कोई चोरी चकारी नहीं है, आप इसे लीगल मानिए। लीगल इसलिए मानिए बिकॉज हर कुछ सही है, हमें बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये चीज़ ना बहुत कम लोगों ने आइडेंटिफाई की होगी मेरे अनुसार, या बहुत लोगों ने की भी होगी, मुझे किसी का पता नहीं, कि 2309 पर रिपीट हो रही चीज़ है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, जब आप उतना उतना इस तरह से पूरे कोड करोगे ना बैठ के कॉपी पे, तो टाइम दोगे तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। आई होप गाइस कि वीडियो समझ में आया होगा एंड अच्छा भी लगा होगा, प्लीज़ बोल दो अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया। तो थैंक यू, हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो, एंड प्लीज़ यार एक मदद कर दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चैनल को, मतलब जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना तो कॉन्फिडेंस मेरा भी, चैनल भी और आपका भी, और एक कंटेंट भी काफ़ी हद तक सुधरता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।